हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूमीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई। रसमलाई एक बंगाली स्वीट है, तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे 2 लीटर दूध को मैंने फाड़ के पनीर बना के रखे हैं, और इसके लिए हमें चाहिए चाशनी बनाने के लिए पानी, और 1 ग्लास मैंने चीनी रखा है यहाँ पे, और 4 छोटा इलायची रखे हैं। और मलाई के लिए हमें चाहिए 1 लीटर मैंने दूध रखा है यहाँ पे, यहाँ पे रखा है मैंने चीनी, जो स्वाद के अनुसार डालेंगे। और यहाँ पे है पिस्ता, ग्रेटेड पिस्ता, और यहाँ पे है ग्रेटेड आलमंड्स, और यहाँ पे है 1/2 टीस्पून छोटा इलायची पाउडर, और यहाँ पे सैफ्रॉन है जो थोड़ा सा हम डालेंगे सैफ्रॉन। ये जो है पनीर को अच्छे से पाम के थ्रू इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, और फिर इसको रसमलाई का जो है शेप्स दे देंगे। मैंने पहले बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया था पनीर को, आप देखिए ये मैंने सारे इसका बॉल्स बना के और थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर करके इसको शेप्स दे दिया है। पर ऐसे है कि इसको ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, थोड़ा मोटा रखना है। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर ये फट जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा मोटा रखना है। अब गैस ऑन करके मैंने इसमें 1 ग्लास चीनी डाल दिया था, और इसमें मैंने 5 ग्लास सेम रसगुल्ले के तरह 5 ग्लास पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा ये फिर जो रसमलाई है ये सारे उबालते हुए पानी में हम डाल देंगे। और हमेशा हमें याद रखना है, जैसे रसगुल्ला हो चाहे रसमलाई हो, फुल क्रीम वाला जो दूध है, जो फुल फैट वाला मिल्क है, उससे बनाएंगे तो सबसे बढ़िया बनेगा। चाशनी में बिल्कुल उबाल आ गए हैं, तो मैं सारे रसमलाई को इसमें छोड़ दूंगी, और 10 मिनट के लिए तेज गैस पे पकाएंगे और 10 मिनट के लिए कम गैस पे पकाएंगे, बिल्कुल रसगुल्ले के तरह। अब देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये पूरा डबल साइज में हो गया है। अब इसमें मैं जो छोटा इलायची थोड़ा कूट के जो रखी थी छोटा इलायची, वो कूट के मैंने इसमें डाल दिया, और 10 मिनट इसको थोड़ा सा कम गैस पे पकाएंगे। अब मैंने 1 लीटर जो दूध रखी थी उसको मैंने अभी गैस पे ये अभी उबालने के लिए रख दिया है। ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा जब, तब हम इसमें वो रसमलाई डालेंगे बाद में। ये जो रसमलाई को मैंने 10 मिनट कम गैस पे जो रखी थी, ये 10 मिनट भी हो चुके हैं, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और अब इसको ढक के थोड़ी देर के लिए मैं रखूंगी, और बाद में फिर इसमें से निकाल के, रस निकाल के फिर इसमें मैं ये मलाई में ऐड करूंगी। ये मैं सारे रसमलाई को जो है स्ट्रेनर में रख के इसका रस थोड़ा सा निकल जाने तक वेट करूंगी, और फिर वो जो दूध का मलाई मैंने काफी हद तक पका लिया है इसको, अब देखिए ये काफी गाढ़ा हो चुके हैं, तो इसमें मैं अभी डालूंगी चीनी और केसर, फिर इसके बाद इसमें मैं वो सारे ऐड कर दूंगी। दूध देखिए, इसमें रसमलाई के लिए बहुत ज़्यादा दूध को हम पकाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे इसको। एक लिमिटेड टाइम के बाद हमें पता चल जाता है कि बस इसमें जो है मलाई काफ़ी सारे आ गए हैं और काफ़ी सारा दूध कम हो चुके हैं, तो अब इसमें हम थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। गर्म दूध में ऐड करेंगे तो पूरा येलो कलर आ जाएगा, और इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, ज़्यादा मीठा नहीं होता है रसमलाई, थोड़ा लाइट ही होता है। देखिए मैंने केसर देने के बाद और चीनी डालने के बाद काफ़ी देर तक इसको और थोड़ा सा पका लिया, और अब इसमें मैं ये सारे रसमलाई को ऐड कर दूंगी। रसमलाई डालते ही फिर दोबारा ये और थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है दूध को, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ही, अच्छे से लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए। ये रसमलाई को डालने के बाद इसको और 5 मिनट तक हम लोग थोड़ा सा कम गैस पे पका लेंगे, और पका लिया ऑलरेडी मैंने इसको, और फिर इसमें मैं छोटा इलायची पाउडर जो है ये डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा जो है बादाम और थोड़ा सा जो पिस्ता डाल दूंगी, और बाद में ये गार्निश करने के लिए इसको बाद में जो है बाकी का डाल देंगे। अब देखिए रसमलाई बन के तैयार हो चुके हैं, और ये कितना टेस्टी दिख रहे हैं, जैसे दिख रहे हैं उतना ही टेस्टी है, खाने में भी है, बहुत ही सॉफ्ट है। जरूर से ट्राई कीजिएगा ये वाला मिठाई, फिर मिलते हैं दूसरे रेसिपी के साथ।